तो ये एक दूसरा स्विच है जिसके मैंने ऑलरेडी कनेक्शंस कर रखे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो इसमें 6 पिंस दी गई हैं, तो हम A to Z कनेक्शन आगे जानेंगे कि कैसे किए जाएंगे। तो दोस्तों कनेक्शन करने के लिए हमें 2 वायर ले लेने हैं। तो दोस्तों ये एक वायर है, तो दोस्तों हमें 2 वायर लेके इन्हें आगे से इसे कट कर लेना है, इन्हें जॉइंट कर देना है। और दोस्तों जॉइंट करने के बाद हमें स्विच में जो सबसे ऊपर वाला जो हमारा सबसे ऊपर वाला जो लेग है इसमें इसे कनेक्ट कर देना है। और दोस्तों हीट श्रिंक का भी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे ये दोनों वायर ऊपर वाले लेग में कनेक्ट हो गए हैं। तो गाइस अब हमें इस वाले वायर को स्विच के राइट कॉर्नर में कनेक्ट करना है यहाँ पे। तो गाइस मैंने हीट सिंक का एक और पार्ट ले लिया है और अब हम इस पार्ट को इस वायर में लगा देंगे जिससे हम लेग्स के कॉर्नर में कनेक्ट करने के बाद इस हीट सिंक को आराम से लगा सकें। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था ये वाला रेड वाला वायर हमें राइट बॉटम कॉर्नर में कनेक्ट करना है और ये हम कनेक्ट कर चुके हैं अच्छे से। तो दोस्तों सेम प्रोसेस हमें स्विच के राइट साइड पे करना है। जैसे हमने लेफ्ट साइड में क्रॉस कनेक्शंस किए थे ऐसा ही हमें राइट साइड पर सेम ऐसे ही कनेक्शन करने हैं, राइट टू लेफ्ट कॉर्नर जैसे यहाँ पर किए थे ऐसे ही इस साइड कनेक्शन करने हैं क्रॉस में। तो गाइस फिर से एक वायर ले लेंगे हमें। तो गाइस अगेन हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। और फिर से क्रॉस कनेक्शन। तो गाइस अब हम स्विच के राइट साइड पे कनेक्शन कर देते हैं जैसा कि हमने लेफ्ट साइड पर किए थे।
और गाइज यहाँ पर भी एक हीट शिरिंक ट्यूब लगा देंगे। तो दोस्तों ये वायर्स के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और ये ऐसे क्रॉस करके कनेक्शंस बन रहे हैं। तो दोस्तों अभी ये जो दो पिंस रह रहे हैं इसमें हमें ये दो वायर्स कनेक्ट करने होंगे रेड एंड ब्लैक। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक वायर कनेक्ट हो गया है। अब ये लास्ट पिन रह रही है, हमें इसमें भी एक वायर कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं स्विच के। तो दोस्तों एक बार इन हीट श्रिंक ट्यूब्स को फाइनल टच दे देते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अब और अच्छी तरह फिनिशिंग हमारे स्विच में आ गई है। स्विच को चेक करके देखेंगे कि ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों हम स्विच का कनेक्शन करेंगे डीसी मोटर्स के साथ। तो दोस्तों जैसा कि हमने वायर्स कनेक्ट किए थे पहले, तो जो बीच के जो वायर्स हैं ये लगेंगे डीसी मोटर्स में। ये जो ऊपर वाली पिंच के दो वायर्स हैं ये लगेंगे हमारे पावर सप्लाई में, जो कि मैंने दो क्रोकोडाइल क्लिप्स के वायर्स निकाल रखे हैं 12 वोल्ट के चार्जर के साथ। तो गाइज ये जो हमारी क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं इनमें 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो गाइज अब हम कनेक्शन शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हमें नेगेटिव वायर, ये स्विच के नेगेटिव वायर में कनेक्ट कर देना है, जो कि ये वाले वायर्स हैं ऊपर वाले, और ये पॉजिटिव वायर ये इस वायर में कनेक्ट कर देना है स्विच के। और गाइज ये जो बीच के दो वायर्स हैं इन्हें हम कनेक्ट कर देंगे डीसी मोटर्स के साथ। तो गाइज फिलहाल मैं टेम्परेरी कनेक्ट करने के लिए इस क्रोकोडाइल क्लिप के थ्रू ये वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। और गाइज दूसरा वाला वायर इसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस कनेक्शन हमारे हो गए हैं और ये हमारी 755 डीसी मोटर है। अब हम टेस्ट करते हैं कि हमारा स्विच और मोटर के कनेक्शन ढंग से हुए हैं या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस ये स्विच हमारा बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, और अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रन करवा के देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है।
तो गाइस अब हम चेक करते हैं ये नॉर्मल डीसी मोटर ये कैसे काम करती है। तो गाइस मैंने पूरे कनेक्शन हटा दिए हैं और इस वाली मोटर में मैं दोबारा से कनेक्शन करूंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए कनेक्शन के बारे में। ये हमारे पावर सप्लाई के वायर्स हैं, दो पॉजिटिव नेगेटिव। तो गाइस कनेक्शन हमारे अच्छी तरह से हो चुके हैं, अब हम दोबारा से टेस्ट करते हैं इस डीसी मोटर को कैसे काम करती है। तो गाइस इस टाइम ये डीसी मोटर 12 वोल्ट्स पर रन कर रही है।